Start. Now, class 9, we have completed unit gravitation. We will take that unit into division after this unit. Now we are starting unit number 2, that is motion. इसके नोट्स मैं आपको रेगुलर सेंड कर रहा हूँ, वही यूनिट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मोशन? आई मीन कंसेप्ट ऑफ मोशन. मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. डेफिनेशन के तौर पे क्या कहेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, then the object is said to be in motion. For example, हम कई बार बोलते हैं कि एक person के लिए एक object rest पे है, दूसरे person के लिए वही object motion में है. For one person, one object is at rest, and for another person, similar that object is in motion. I mean, suppose a passenger is moving into the bus and bus is running on the road. Then the moving bus, the person which is sitting inside the bus and bus is moving on the road, the trees which are on the by side of the road, the trees for that person which is sitting inside the bus are in motion, and that person, another person which is sitting on the road into the weight of that bus, for that person that trees are at rest. मतलब जो person bus के अंदर बैठा है उसके लिए तो वो trees जो है motion में होंगे, जो person bus का इंतजार कर रहा है उसके लिए वो trees rest पे होंगे. इसका मतलब यहाँ से हमने क्या conclusion निकाला? The conclusion is that rest and motion are related to each other. Rest and motion are related to each other. Hope so, you got my point, bachcho. Next, ab yahan se topic start hote hain. What do you mean by the term distance? Distance kya hota hai? और डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस होता क्या है बेसिकली? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट in moving from one point to another point. Suppose an object is moving from A to B and B to C, covering the distance 40 meter, 60 meter, total 100 meter. तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, O से A क्या है? 30 मीटर. तो O से A पे, A से B पे और B से C पे. अब हमने इस पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट के ऊपर है डिस्टेंस बताना है. तो इस पॉइंट के ऊपर इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया? फर्स्ट ऑफ ऑल O से A 30 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 60, दैट इज
190 meter, that is the total distance. 30, 40, 70, 60, 130 over the side, 190 meter. That is the distance from C to B. That is the longest path. यहाँ से हम कह सकते हैं इट इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पाथ और द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड द डिस्टेंस द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज मीटर. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर ही होती है. डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द क्या shortest path covered by the object in moving from one point to another point. या simplified language में बोले it is defined as the shortest path covered by the object. ये between any two objects the shortest path covered between any two objects is called displacement. The unit of displacement is same as that of distance. One thing, now if I want, for example, let us consider an object which is moving from point A, इसको बोलते हैं east, west, north, south directions हैं. Object A से O से A point A की तरफ move करता है 5 मीटर, फिर ए से बी की तरफ अगेन 5 मीटर, बी से सी की तरफ 10 मीटर, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ओ टू सी. अब देखो इसके अंदर O से A का जो डिस्टेंस है that is 5 मीटर और ये इसके पैरेलल साइड है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 मीटर. तो ये कितना बच जाएगा ये 5 तो ये कितना बच जाएगा ये कितना बच जाएगा 5 मीटर. ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा that is also 5 मीटर. तो by using Pythagoras theorem we can calculate the displacement that is OC. OC क्या हो जाएगा अगर यहाँ से हम डिस्टेंस पूछेंगे डिस्टेंस क्या होता है लॉन्गेस्ट पाथ आई मीन ओ से ए पे गया ए से बी पे बी से सी पे तो डिस्टेंस जो हो जाएगा 5 + 5 + 10 दैट इज कॉल्ड 20 मीटर. अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा Pythagoras theorem that is perpendicular to the square plus base the square is equal to hypotenuse ka square. Pi square 25 root 50 root 50 और क्या लिख सकते हैं 5 root 2 meter. तो ये जो value है that is smaller than this. I mean displacement is always less than the distance covered. तो यहाँ से अगर मैं दोनों को differentiate करता हूँ distance और displacement को तो कैसे differentiate करूँगा? Distance is defined as the longest path covered by the object in moving from one point to another point. Displacement is defined as the shortest path covered by the object in moving from one point to another point. The unit of distance is meter and the unit of displacement is same as that of distance, that is also meter. Distance of an object can never be negative. I mean can never be negative or zero, it is always positive. And the displacement of an object can be zero, can be negative, can be positive. I mean, जो मेरा distance है, that can never be negative.
डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मे बी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाए, इट मे बी पॉसिबल बट कैन नेवर बी नेगेटिव। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव जीरो एज वेल एज पॉजिटिव, इट कैन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड समटाइम्स मे बी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट समटाइम्स मे बी जीरो when object is at rest, but displacement is always negative, zero and positive. तीनों में से कोई भी condition हो सकती है, तीनों ही case में displacement possible है। तो ये थे distance और displacement के बारे में। तो हमने पढ़ा motion, अब हम पढ़ते हैं motion के types, types of motion। motion कितने type का होता है? मोशन बेसिकली हम यहाँ दो टाइप में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वी विल स्टडी देयर इन डिटेल्स। Distance in equal interval of time, then the object is said to be in a state of motion. That motion is called uniform motion. Howsoever small the distance may be, क्या कहते हैं? अगर मैं definition को repeat करूँ, uniform motion को क्या हो जाएगा? Uniform motion it is defined as when a body covers equal distance in equal interval of time, howsoever small the distance may be, then the object is said to be in a state of uniform motion. अगर मैं यहाँ से distance और time का graph बनाता हूँ, distance और time का ग्राफ बनाता हूँ, अगर उसने ऑब्जेक्ट ने मेरे एक सेकंड में एक मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, दो सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर, आई मीन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो बाय यूजिंग स्केल वी कैन ड्रॉ the curve which is a straight line passing through the horizon. By using a curve which is a straight line passing through the horizon, agar in terms of non uniform motion, non uniform motion mein agar kya hota hai, when an object covers equal distance in unequal interval of time, and you can say that when an object covers unequal distance in equal interval of time, I mean either हम distance को ले लें या हम time को ले लें, either हम distance को ले लें या time को ले लें, both are both should be in asymmetric distribution. I mean अगर 1 second लिया distance 1 meter, 2 सेकंड लिया डिस्टेंस 4 मीटर, तो 4 मीटर तो यहाँ होगा, 3 सेकंड लिया तो डिस्टेंस 5 मीटर, तो यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड केस में जो बनेगा दैट इज लाइक दैट, एंड थर्ड केस में जो बनेगा दैट इज
So the graph is not a straight line. This graph may be in any shape like that, decreasing order, or zigzag path between distance or time. That is a graph of non-uniform motion. तो यहाँ से हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, एज वी ऑल नो दैट सर इसाक न्यूटन गेव द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑल्सो ही गेव द थ्री लॉज ऑफ मोशन। On the basis of three laws, we have read three equations of motion. First equation of motion क्या होती है? V is equal to u plus at. V is equal to u plus at. Where v क्या है? That is called final velocity. U क्या है? That is called initial velocity. And a क्या है? That is called acceleration. And t क्या है? That is called time taken. The first equation of motion को हम alternate में क्या कहेंगे? That is called velocity time relation. क्या बोलेंगे? That is called velocity time relation. Second equation of motion क्या होती है? S is equal to ut plus half a t square. Here S क्या है? That is the position. Maybe position u already I have taught you. U क्या है? That is the initial velocity. T time taken. A acceleration. And again time taken. इस इक्वेशन का जो अल्टरनेट नेम होगा इसको हम क्या बोलेंगे? That is called position time relation. क्या बोलेंगे? Position time relation. थर्ड इक्वेशन जो आएगी that is equal to v square minus u square is equal to 2as. V here, V is the final velocity, u is the initial velocity, a acceleration produced and s is the position. इस equation को third equation of motion is called velocity position relation. क्या बोलेंगे? Velocity position relation.